ऊपर के लोग हर हाथ में नहीं रहते हैं, पूरी ताकत से बोली है जय बिहार जय बिहार। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, स्वागत, धन्यवाद कि आपने अपना समय निकालकर आप यहां आए। आप हमसे मिलने नहीं आए, हम तो आपके गांव आकर जा रहा था, इसलिए आपने आप मुझे अपने घर को सामने जगह दी, आप मुझे अपने गांव को जगह दिया, आप हमारे साथ चले, आपने हमारी बात सुनी और हमारी बात को घर घर पहुंचाया। आज हमारा आपसे मिलने का समय नहीं है, ये आज सबका एक दूसरे से मिलने का प्रोग्राम है। लोगों को पता ही नहीं है जनसराज में जिला कौन कौन है, कौन कौन लोग जुड़ा है जनसराज में, लोगों को पता ही नहीं चल रहा। मैं आपको बता रहा कि आपके इस प्रयास से, आपके पराक्रम से, आपके परिश्रम से, जो आपको मैंने संकल्प दिया है 2 अक्टूबर को जब आप बल का स्वरूप लेंगे तो बिहार के इतिहास में जो कभी न हुआ हो उतने लोग एक साथ 1 करोड़ लोग मिलकर स्थल की नींव रखेंगे। ये संकल्प है, इसके पीछे हटने वाला नहीं है और उस 1 करोड़ लोगों को एक साथ आगे चलाने बढ़ाने के लिए आप जैसे 1.5 लाख पदाधिकारी इस स्थल को पहले दिन इस स्थल पर 1.5 लाख पदाधिकारी होंगे, यही मैंने आपको वादा किया। बहुत दिन से उद्घोषक महोदय है, हमको नेता बना रहा है, आप जैसे जिन लोगों ने भी हमको सुना है उनको मालूम है प्रशांत किशोर ना इसका नेता था ना आगे होगा, ये मेरा संकल्प है आपके बीच से, इसी बिहार से, आपके गांव से, आपके पंचायत से, आपके बीच से ऐसे लोगों को चुनकर निकालेंगे जो एक साथ आए और 2025 में, याद रखिए 2025 29 नहीं 2025 में जनता का राज बनाए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, हाथ उठाकर बताइए होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए ना, आपका आशीर्वाद हमको है कि नहीं है। आइए जरा, आपने लोगों को वोट दिया, आपने लोगों को अपना चिंता दिया, आपने अपना समय दिया, हमने आपसे कुछ नहीं मांगा, हमने 1 रुपया चंदा नहीं मांगा, हमने आपसे वोट नहीं मांगा, खाने भी नहीं मांगा, आपके सामने आए आपका आशीर्वाद, आपकी दुआ के लिए जय बिहार जय बिहार जय बिहार, आपके दुआ के आशीर्वाद से आपका यह बेटा, आपका यह भाई इसी बिहार में वो व्यवस्था बना कर देगा कि आपको अपने जीवन काल में, इसको लिख लीजिए, गांठ बांध लीजिए, आपके अपने जीवन काल में एक ऐसा बिहार भी हम लोग देखेंगे जिसमें हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र से लोग रोजी रोजगार करने आएंगे। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बोलिए होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। आप प्रशांत किशोर से नहीं जुड़े हैं, आप जनसराज से नहीं जुड़े हैं, आप पदयात्रा से नहीं जुड़े हैं, आप उन लोगों के साथ जुड़े हैं जो वर्षों से बिहार में एक नया विकल्प बनाने के लिए तड़प रहा है और विकल्प के अभाव में
समझते बूझते हुए भी गलत लोगों का चुनाव कर रहा है। ये आप उन लोगों से जुड़े हैं, आप उस सोच से जुड़े हैं जिसको मालूम है कि बिहार के लोगों को हम लोग की चेतना पर, हम लोग की समझ पर भूल कर गया होगा। हम लोग समाज में पीछे छूट गए हैं, लेकिन हम लोग की चेतना और हम लोग की अपने बच्चों के लिए चिंता बड़ी नहीं है। एक बार अगर अवसर मिला तो बिहार के लोग अपने लिए, अपने बच्चों के लिए वो व्यवस्था बनाएंगे कि पूरा देश खड़ा होकर कहेगा कि जिस बिहारी को बिहारी करके गाली दिए थे, उस बिहार के लोगों ने वो व्यवस्था बनाई है जो देश के किसी राज्य में किसी ने नहीं किया। जो जो इसके लिए तैयार है हाथ उठाइए, उठाइए हाथ। तैयार है कि नहीं है? तैयार है। भाषण देने के लिए नहीं खड़े हुए हैं। आज ये कार्यशाला आपसे सहमति लेंगे, आपके सुझाव लेंगे। 2 तारीख को दल बनना है, कैसे बनेगा, कौन बनेगा इसका नेता, कौन होगा इसका, कैसे बनेगा इसका संविधान, क्या होगी इसकी प्राथमिकता, इसकी चर्चा के लिए बैठे। तो मेरा आपसे विनम्र आग्रह है, ये राजनीतिक सभा नहीं है, थोड़ा धीरज रखिए, शांति से बात को सुनिए, इस चर्चा में परिचर्चा में हिस्सा बनिए। नारा लगाने के लिए आप नहीं आए हैं। और एक अंतिम बात कहता मैं, अगले सत्र में हम लोग चलेंगे, जितने लोग आगे गए एक बार ये संकल्प लीजिए कि आप और आपके बच्चे, ये बिहार की अंतिम पीढ़ी है जो मजदूरी में रोजी रोजगार और पढ़ाई इलाज के लिए बिहार से बाहर जाता है। हम लोग की आने वाली पीढ़ी न पढ़ाई के लिए, न रोजगार के लिए, न इलाज के लिए बिहार से बाहर हम लोग के बच्चों को नहीं जाना पड़े, इसलिए आपको ये संघर्ष करना है। जो जो लोग भी इसके लिए तैयार हैं, आइए, तैयार हैं कि नहीं है, है कि नहीं है, है तो बिहार आने में नहीं दम है। पूरी ताकत से बोलिए जय बिहार। अब पहला सत्र है, 2 तारीख को दल बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, बनना चाहिए, सवाल पूछे मैंने हाथ उठा लिया। अरे 2 तारीख को दल बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, बनना चाहिए। इस पर जोर सुझाव लोगों ने कहा, क्योंकि हमने कहा है कि जब पूरा बिहार पैदल चल रहे तब दल बनाएंगे। अभी हम पूरा बिहार पैदल नहीं चले, अभी तो मधेपुरा में ही है। 60% बिहार हम लोग पैदल चल चुके हैं, 40% और बाकी है। तो 2 सुझाव है। पहला सुझाव है कि 2 अक्टूबर को दल बना लिया जाए। दूसरा सुझाव है कि पदयात्रा को खत्म करने के बाद मार्च में अगले साल दल बनाया जाए। तो जो लोग चाहते हैं कि अक्टूबर में दल बने, वो एक हाथ उठाइए और एक भी हाथ नीचे नहीं आना चाहिए। अक्टूबर में कि मार्च में ठीक है, लेकिन अब अरे भाई, हमने बार बार कहा है कि जो आप तय करोगे वही होगा। अभी आपको उसका नमूना दिखा रहा है, 1.5 लाख, ये सिर्फ आपसे नहीं पूछेंगे, 1.5 लाख पदाधिकारी जो जन सुराज अभियान से भी जुड़ा हुआ है, कार्यकर्ता नहीं, समर्थक नहीं, 1.5 लाख पदाधिकारी जो इस अभियान से जुड़े हैं, वो लोग अब हर हफ्ते उसमें से 10,000 लोग, जैसे हम लोग आज बैठे हैं, उसी तरीके से 4 तारीख को फिर बैठेंगे,
मालूम नहीं जो राखी का दूसरा अपना सजा रहा है। नीतीश कुमार का धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने बड़ी सभागृह बनाई है। प्रचार करने 2015 में तो एक सभा किए थे जिसमें अपने सभी पार्टी के पदाधिकारियों को बुलाए थे हमसे परिचय कराने के लिए। हमने उनका अभियान शुरू किया था 2 जून 2015 को। उस समय कृष्ण मेमोरियल हॉल में करीब 2200 लोग आए थे, और हम भी थे। 2200 लोग आए थे, 25 साल का पुराना दल, 18 साल से सत्ता में रहने वाला दल अपने सारे पदाधिकारियों को बुलाया तो कृष्ण मेमोरियल हॉल में लोग अट गए। और जब सुराज जब अपने पदाधिकारियों को बुला रहा है तो नीतीश जी ने बड़ा हॉल तो बनाया है, लेकिन जब ये 10 बार भरेगा, 10 बार, तब वो पदाधिकारी एक बार तो जब जनसुराज की व्यवस्था बने तो हम लोग को 1 लाख का एक सभागृह भी बनाना पड़ेगा, तभी एक साथ बात होगी। लेकिन फिर भी ये 10,000 लोग के लिए एयर कंडीशन व्यवस्था नीतीश कुमार कराए हैं, इसलिए उनका मन से सम्मान कर रहे हैं, धन्यवाद कर रहे हैं। क्या बात है। दूसरी बात जो ज्यादा महत्वपूर्ण है, मेरी जो भूमिका, मैंने पहले कहा है और आगे भी उस बात पर कायम हूं। जो बात मैंने आपको व्यक्तिगत तौर पर कहा, कमरे में बैठकर कहा, छोटी सभाओं में कहा, वही बात को फिर से दोहरा देता हूं। सबके सामने कैमरे पर रिकॉर्ड कर लीजिए, इस दल का नेता प्रशांत किशोर नहीं है। इस दल का नेता वो आदमी है, वो बच्चा है, वो महिला है जो बिहार का सबसे काबिल आदमी है, और जिसको सब लोग मिलकर चुनेगा वही दल का नेता बनेगा। अब जितना लोग पीछे सोच रहे होंगे कि भैया आप ही को हम लोग चुनेंगे, तो हम चुनाव में नहीं, हम चुनाव में नहीं है। इस बात को आप सीखिए, इस बात को सीखिए। आज आप हम पर भरोसा कर रहे हैं, कल होकर हम पलट जाएंगे, आप हाथ मलते रह जाओगे। इसलिए व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है, व्यवस्था महत्वपूर्ण है। तो 2 अक्टूबर को आपको पूरे देश के सामने ये हम लोग दिखाएंगे कि सब भाई मिलकर अपने नेता का चुनाव लोकतांत्रिक तरीके से किया जाएगा। ताली जोर से बजा नहीं, जोर से ताली बजाइए। दल का नेता का चुनाव कैसे होगा, कौन बनेगा दल का नेता? तो इससे पहले सबसे मेरी जो जिम्मेवारी है कि आप जैसे जितने लोग जुड़े हैं, ये 10 ऐसी बैठकें करके आपकी सहमति लें। 2 तारीख को जब दल बन जाएगा, दल में 25 लोग आपके बीच से चुनकर आएंगे, जो दल का लीडरशिप काउंसिल हुआ, और उस 25 में से ही एक आदमी कोई अध्यक्ष चुना जाएगा। आपको एक बड़ी बात मैंने ये बताई है कि जन सुराज प्रशांत किशोर का दल नहीं, किसी जाति का दल नहीं, किसी परिवार का दल नहीं, किसी व्यक्ति का दल नहीं, ये बिहार के उन सारे लोगों का दल होगा जो इसको मिलकर बनाएंगे और आगे मिलकर ही चलाएंगे। दूसरी बात हमने कही कि जिस समाज की जितनी संख्या है उसको उतनी भागीदारी हर स्तर पर दिया जाए। समझ लीजिए, 10 ताली बजाइएगा। ये नारा तो आप बहुत सुने हैं, इसका मतलब क्या है? दल को बनाने वालों में, दल के पदाधिकारियों में, दल के लीडरशिप में, दल से टिकट पाने वालों में,
और दल से पदों पर मनोनीत किए जाने वाले लोग कल जब सरकार बन जाए सब में जिसकी जितनी संख्या है उसको उसके हिसाब से भागीदारी मिलेगी। और पांच बड़े समूह जिसको समझिए, पांच बड़े समूह समाज के बनाए गए। पहला जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, दूसरा जो ओबीसी समाज के भाई हैं, तीसरा जो ईबीसी वर्ग है अति पिछड़ा समाज है, चौथा जो अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोग हैं, और पांचवा जो मुस्लिम समाज के लोग हैं। अगर आप पूरे समाज को कायदे से समझिएगा तो इन पांच बड़े वर्गों में लोगों को आप रख सकते हैं। तो जिस वर्ग की जितनी संख्या है उस वर्ग के उतने लोग दल में पदाधिकारी और दल का नेतृत्व करने के लिए चुने जाएंगे। पहला दल होगा जिसने कहा कि अगर 36% अति पिछड़ा समाज है तो निश्चित तौर पर 70 उम्मीदवार अति पिछड़ा समाज का जरूर लड़ेगा। अब कुछ लोग कहता है भैया ये तो जात पात का बात होने लगा, ये तो जात पात का बात करने लगे, आप भी दूसरे दल से अलग कैसे हुए। सब लोग एक लाइन याद रख लीजिए, जो जन सुराज के समानता का मंत्र है कि हर समाज में काबिल आदमी है और हर काबिल आदमी किसी न किसी समाज का है, तो अगर बांटने वाले के नियत में खोट नहीं है तो ये पूरी तरीके से संभव है कि हर समाज को उसके संख्या दल के अनुसार भागीदारी मिल जाए। और आप ये देखिएगा कि जब ये दल बनेगा, कुछ लोग कहता है ए भैया यादव जी लोग हमको वोट नहीं देंगे, कोई भी कुशवाहा तो नीतीश जी भाजपा के साथ है, हम यहाँ जात की बात करने नहीं खड़े हुए हैं, लेकिन उदाहरण देकर आपको बता रहे हैं, अगर यादव समाज से 15% जनसंख्या है तो जन सुराज 15% उनकी भागीदारी भी उस समाज की होगी, वोट मिले या न मिले। वोट के आधार पर संसाधन का, पद का बंटवारा, जिम्मेवारियों का बंटवारा नहीं किया जाएगा, ये जन सुराज के मूल में है। दूसरी बात, दल का नेतृत्व किसके पास जाए, इस पर गहन चर्चा हुई, मैं आपसे साझा करना चाहता हूं। ये तय किया गया कि हर बार इन पांच वर्गों में से एक वर्ग को दल के नेतृत्व करने का अवसर दिया जाए। अब इस पर आपसे सवाल पूछेंगे, आपका वोट लेना है, दो मत है, दल का लीडर कौन हो वो अलग बात है, किस वर्ग से हो, तो ये तय सबने किया कि इन पांचों वर्गों को दल का नेतृत्व करने का अवसर दिया जाए। लेकिन उसमें दो सवाल है, पहले कौन करेगा, एकदम आदमी घबराया हुआ है, पहला मौका किसको मिलेगा और कितने दिन के लिए मिलेगा, तो कितने दिन के लिए मिलेगा ये पहले आप तय कर दीजिए। एक सुझाव ये है कि इस दल का नेतृत्व जो भी करेगा उसको एक साल का अवसर दिया जाएगा ताकि पांच वर्ष में पांचों समाज के समूह के को एक एक साल दल का नेतृत्व करने का अवसर मिले। दूसरा सुझाव है, सुन लीजिए, दूसरा सुझाव है कि एक साल में तो भैया वो ज्यादा काम नहीं कर पाएगा, हर वर्ग को दो दो साल का टेन्योर होना चाहिए। तब आपको मत देकर बताना है कि दल के अध्यक्ष का समय सीमा एक साल होना चाहिए कि दो साल होना एक चाहिए। जितने लोग एक साल, जितने लोग एक साल बताना चाहते हैं उसके पक्ष में ये बात है कि एक चुनाव से दूसरे चुनाव तक
पांच वर्ष में सबको अवसर मिल जाएगा। जो लोग दो वर्ष के पक्ष में हैं, वो ये बता रहे हैं कि भैया उसको लंबा काम करने का अवसर मिलेगा, लेकिन परेशानी ये है कि अगर एक बार दलित समाज का कोई अध्यक्ष बन गया तब आठ वर्ष के बाद ही उसको अवसर आएगा। तो दोनों बात सुनने के बाद बताइए, जो हाथ उठाएंगे, जो लोग एक साल के अध्यक्ष के टेनियर के पक्ष में हैं, वो हाथ उठाइए। एक साल के पक्ष में जो लोग हैं, जोर से बोलिए, एक साल या दो साल? एक साल। जितने लोग हाथ नीचे कर लीजिए, आप में से जितने लोग दो साल के पक्ष में हैं वो हाथ उठाइए। तो बहुमत एक एक। तो जितने साथी दो साल के लिए हाथ उठाए हैं, आपकी अगर इजाजत हो तो बहुमत के आधार पर ये तय कर दिया जाए कि दल के अध्यक्ष का कार्यकाल एक साल हो। सबकी सहमति है? सबकी सहमति है। सहमति दीजिए, फिर पीछे बता दिएगा कि हमसे नहीं पूछे। है सहमति? अब आइए दूसरा कठिन सवाल। पहला रोटी किसको मिलेगा? पहला बार कौन बने? पिछला फॉर्मूला देते हैं, फिर आपसे वोट मांगेंगे। आप जब परिवार के मुखिया हैं, आप में से कई लोग संयुक्त परिवार को चलाते हैं, अपने परिवार को भी आप देखते हैं, तो जब आप कुछ भी बंटवारा करते हैं, चाहे वो मिठाई ही बाजार से खरीद कर लाए हैं, उसका जब आप बंटवारा करते हैं, तो आपकी कोशिश होती है कि आपके बच्चे में जो सबसे कमजोर है उसको सबसे पहला अवसर मिलना चाहिए। क्या बात है, क्या मिलना चाहिए ना भाई? एकदम मिलना। तो ये मेरा और तुम्हारा, तुम्हारा और मेरा न बने, इसलिए अभी इसको तय कर देते हैं। समाज में आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक नजरिए से आंकड़े सबके सामने, सबसे गरीब, सबसे पिछड़ा, सबसे जो भाई पीछे छूट गया है, वो दलित समाज के लोग हैं। तो अगर रुक जाइए, वोट देने के लिए पहले ऑप्शन देखने से पहले ही ताली बजाने लगा। दूसरा, जो अति पिछड़ा समाज है, वो भी आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक तरीके से करीब करीब दलितों के बराबर ही उसकी स्थिति है। और तीसरा, जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, वो भी सच्चर कमेटी के रिपोर्ट से नहीं कह रहे, गांव गांव जाकर देखा है, दलितों के बाद अगर सबसे ज्यादा गरीब बदहाल अगर कोई दिखा तो मुसलमान भाई दिखे। तो इन तीनों में अब आपको बताना है, जितने लोग ये चाहते हैं कि बिहार का एक काबिल सिर्फ दलित नहीं, जो बिहार का सबसे काबिल दलित है उसको इस दल का नेतृत्व दिया जाए, वो हाथ उठाइए। जितने लोग दलित लीडरशिप के पक्ष में है वो हाथ उठाइए, हाथ नीचे कर लीजिए। जितने लोग ईबीसी समाज के पक्ष में है कि पहला नेतृत्व उनको मिलना चाहिए, वो हाथ उठाइए। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। जितने लोग ये चाहते हैं कि नहीं हम लोग मुसलमानों के साथ इस दल की शुरुआत करें, वो भी हाथ उठाए। जितना हमको आंख से दिखा है, मेजॉरिटी और मंच पे सारे सीनियर साथी बैठे हुए हैं, अगर सबकी सहमति है तो मुझे